पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के अहकामात के बाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को उनके घर के अंदर से ही गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस की सिक्योरिटी टीम वारंट लेकर साबिक वजीर आजम की रिहाइश का जमान पार्क पहुंची, जहां हुकाम ने उनके सिक्योरिटी अफसरान को बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी आ गए हैं, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करना है। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को घर के अंदर जाकर गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी अंदर गई और बाकी कैट बाहर ही मौजूद रहा। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान कुछ देर बातचीत हुई, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी के वक्त कोई मज़ाहमत ना की। उनको घर के अंदर से ही गाड़ी में बिठाया गया और पुलिस पर रास्ता ठोकर न्याज बेग उन्हें लेकर मोटरवे से इस्लामाबाद रवाना हुई। दूसरी जानेब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि फैसला इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बार बार जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। इंसाफ का तकाजा था कि जज खुद को केस से अलग कर लेते। उन्होंने कहा कि मशावरत से अगला लाइहा अमल तय किया जाएगा, फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करेंगे। ज़राए का कहना है कि साबिक वजीर आजम को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस की भारी नफरी को धर्मपुरा जेल रोड और माल रोड पर तैनात किया गया था, जबकि जमान पार्क के रास्ते भी बंद थे। इस दौरान कोई भी शख्स जमान पार्क में दाखिल ना हो सकता था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहायशगाह की तरफ जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद उनके लिए अडियाला जेल में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई को अडियाला जेल में कैद किया जाएगा। उन्हें अडियाला जेल के लॉकअप में हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। जेल ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को अदालती फैसले के मुताबिक सहूलियात मैसर होंगी। इस्लामाबाद पुलिस चेयरमैन पीटीआई को जेल मुंतकिल करेगी। कबल अजीज जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ाम साबित होते हैं, उन पर झूठे असासे जाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ, काबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई और 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया। अगर 1 लाख रुपये जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई मर्दम शुमारी का फैसला मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा और इदारा शुमारियात समेत दीगर मुतालिका महकमों के हुक्काम शरीक हुए। इजलास में नई मर्दम शुमारी से मुतालिक मामलात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक शुमारियात ब्यूरो की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल को मर्दम शुमारी पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मुल्क में नई मर्दम शुमारी से मुतालिक फैसला मौखर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि अभी मर्दम शुमारी के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला की फ़्लाइट लेट है, इसलिए इजलास में वक्फा है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जब इजलास में आएंगे तो फिर इस हवाले से कोई फैसला होगा। डिजिटल मर्दम शुमारी 2023 के नतीजे की मंजूरी की सूरत में इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि CCI ने मर्दम शुमारी की मंजूरी दी तो इलेक्शन 2024 तक हो जाएंगे। उसूली तौर पर अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारिशात पर नई डिजिटल मर्दम शुमारी के बारे में गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आइन के आर्टिकल 15(1) का सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान असर 9 हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। असेंबलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी, हुकूमती इत्तेहादियों ने इत्तेफाक कर लिया।
ख्याल रहे कि साबिक हुकूमत भी 2023 के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने का फैसला कर चुकी है। ये फैसला 2021 में साबिक वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसल इजलास में किया गया था। पीटीआई हुकूमत में मुश्तरका मफादात कौंसल ने इस बात की मंजूरी दी थी कि साल 2023 में होने वाले इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। सातवीं मर्दमशुमारी मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां मुकम्मल करने के लिए डेटा दिया जाए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है, 10 अगस्त को इत्तेहादी तितर बितर हो जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत जो सिर्फ 4 दिन की मेहमान अदाकारा रह गई है, जुल्मो बरबरियत चंगेजियत दहशतगर्दी की ऐसी सियाह तारीख छोड़कर जा रही है जो हमेशा सियाह अल्फाज में याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारे घरों से गाड़ियाँ घड़ियाँ कैश और फोन ले जाती है, औरतों और बच्चों को लापता कर देती है और अदालतें तमाशा देखती रह जाती हैं। अगर गलती से उनकी जमानत ले ली जाए तो जेल के दरवाजे पर ही दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात भी इस्लामाबाद पुलिस मेरी वजह से मेरे दोस्त के घर तोड़ फोड़ करके एक मुलाजिम को उठा कर ले गई है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि मैं पुलिस के हवाले से आर्मी चीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी किसी एजेंसी की ड्यूटी लगाएं और तहकीकात कराएं। अशफाक वड़ाइज, शफकत फैज और सीपीओ रावलपिंडी के रवैये से इदारों के मकाम और शोहरत को ऐसे लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। निगरान वजीर आजम वही आएगा जिसको लाने वाले लाएंगे, बाकी कंपनी की मशहूरी है और जुमा जंज के साथ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल हो गए। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी भारतीय इकदाम को 4 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडों, तशवीशकुन सियासी और मौशी सूरत हाल और गैर समाजी पाबंदियों ने कश्मीरियों की जिंदगी को अजीरन बना रखा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने आर्टिकल 370 को खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खुद इरादियत पर हमला किया। मजदूम कश्मीरियों को हासिल खसूसी नीम खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। मोदी सरकार ने जायदाद की खरीदो फरोख का कानून पैरों तले रोनते हुए गैर कश्मीरी अफराद को जमीन अलाट करना शुरू कर दी और अक्सर इलाकों को स्ट्रेटेजिक एरिया करार देकर भारतीय फौज को कब्जा करने का इख्तियार भी दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम का कहना था कि आज भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को यक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर चुके हैं। भारत ने कश्मीरी आवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की बैनुल अक्वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने के लिए इकदाम का एक सिलसिला भी शुरू किया है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर अपने खसूसी पैगाम में सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अपनी गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों का आगाज़ किया। उन कार्रवाइयों का मकसद कश्मीरी आवाम को बेख्तियार करना, हक रायदही से महरूम करना और उनकी अपनी ही सरजमीन से बेदखल करना है। यौम इस्तेहसाल की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के 4 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के शोबा तालुकात आमा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय हथकंडे खत्ते की सलामती के लिए खतरा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्ला फौज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती का ऐलान किया गया है। पंजाब सिंध के कुछ शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम दिलफरेब हो गया। इस्लामाबाद, गुजरावाला, थरपारकर, बदीन, खैरपुर और रहीम यार खान में रात गए तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश के सबब कुछ इलाकों में खड़ी फसलें भी मुतासिर हुई हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद और पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है।